अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो अभी हम इसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और CBSE के सेकेंड टर्म के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू शॉर्ट एंड सिंपल द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक इनटू द टॉपिक। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। मतलब VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं और ये हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं और इसको ना पढ़ने से हमें क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जैसा नाम पता चल रहा है VI कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, वोल्टेज करंट। V means voltage, I is denotes for current, यानी हम क्या कर रहे हैं किसी सर्किट का या किसी PN जंक्शन डायोड का हम वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि वोल्टेज का करंट के साथ क्या इम्पैक्ट होने वाला है, दोनों में क्या रिलेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो बेसिकली VI कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के बाद हमें क्या पता चल जाता है, बेसिकली किसी भी जो हमारा डायोड है PN जंक्शन डायोड, अगर हम उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें पता है तो उससे हम उसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं। पहली चीज कि हम उसका रेजिस्टेंस बता सकते हैं, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बता सकते हैं, हम ये भी बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर रीजन में उस पर्टिकुलर डायोड को हम यूज कर सकते हैं, कि मींस कि जब जैसे एक्टिव रीजन है तो हम उसको एज अ स्विच की तरह यूज कर सकते हैं, जीना ब्रेकडाउन वोल्टेज में एज अ जीना डायोड की तरह यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे VI कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है कि किसी भी PN जंक्शन डायोड का उसके वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उसी को हम बोल रहे हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए हम बेसिकली एक XY ग्राफ डिनोट करेंगे, एक XY ग्राफ बनाएंगे जो कि ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। यहां पर जो आपका x एक्सिस है, x एक्सिस में हम वोल्टेज को डिनोट करते हैं और y एक्सिस पे हमने क्या डिनोट कर रखा है, करंट को डिनोट कर रखा है। तो वोल्टेज VI कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे की चीज एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप इसमें आसानी से रिलेट कर सकें कि ये ग्राफ हम क्यों बना रहे हैं और इस ग्राफ का मींस क्या होता है। तो आपने जैसे कि PN जंक्शन डायोड पढ़ा होगा, तो PN जंक्शन डायोड आपका कुछ इस तरीके से होता है। लेट्स सपोज ये हमारा एक PN जंक्शन डायोड मान लेते हैं, जहां पर ये वाला हमारा P साइड है, ये हमारा क्या है N साइड है। तो आपको पता है कि जो P साइड सेमीकंडक्टर होता है इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है बच्चों, होल्स होता है। सही, बिल्कुल सही। तो ये हमारा क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे होल्स होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। वही अगर मैं बात करूं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे। तो जब हम PN जंक्शन डायोड बनाते हैं तो हमें क्या होता है, बीच में एक ऐसा रीजन मिलता है जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से डेवलप होता है। यानी जब हम PN जंक्शन ये डायोड हम बना रहे हैं तो इस PN जंक्शन डायोड के अंदर हमें एक ऐसा रीजन मिलता है जहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रीजन है जहां पर हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रीजन प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर रीजन को हमने क्या नाम दिया था बच्चों, सही जवाब, इसको हमने बोला था डिप्लीशन लेयर। इसको क्या नाम दिया था, डिप्लीशन लेयर नाम दिया था। तो डिप्लीशन लेयर क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बनता है और डिप्लीशन लेयर के वोल्टेज को, यानी जो डिप्लीशन लेयर का जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। बिल्कुल सही जवाब, इसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल।
तो अब इन सब का यूज हम कहां यहां पर कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका फॉरवर्ड बायस के केस में। तो जनरली मैंने यहां पे जो ग्राफ बना रखा है VI कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायस एज वेल एज VI कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिवर्स बायस, यानी मैंने दोनों ग्राफ को यहां पे ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस के लिए ये जो ग्राफ है ये हमारा अपर वाला ग्राफ है, दिस ग्राफ इज बिलोंग्स टू द फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है इसको समझते हैं। तो जनरली क्या होता है फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है कि हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है और जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। तो लेट मी ड्रॉ द सर्किट डायग्राम देन आई विल प्रोसीड। तो लेट सपोज आप जानते हैं कि डायोड का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है। तो ये हमारा डायोड है, यहां पर ये साइड P को बिलोंग करता है और ये साइड N को बिलोंग करता है। अब मैंने इस डायोड को क्या किया है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो आपको पता है जब P पॉजिटिव होता है N नेगेटिव है तो हमारा डायोड किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारा PN जंक्शन डायोड है, यहाँ पर इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और इस साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये साइड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होल्स भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं हमारे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा बच्चों। और इधर ये नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, तो होल्स इधर की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे। तो इससे जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये जो हमारा डिप्लीशन लेयर हमने बनाया है इस डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो जाती है। तो पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है कि फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लीशन लेयर है उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर की जो हमारी थिकनेस है, थिकनेस वो क्या होगी बच्चों, रिड्यूस हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो जब थिकनेस इसकी रिड्यूस होगी तो हमारा बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा और जब बैरियर पोटेंशियल कम होगा तो जैसे जैसे हम यहां पर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इस वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, डायोड वोल्टेज। तो जैसे ही हम इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा कि इसके अंदर जो करंट जनरेट होगा करंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पर जो करंट का फॉर्मेशन होगा, करंट क्यों रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहा है। तो जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट बनता है उसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। यानी यहाँ पे डायोड करंट हम इसको भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा डायोड करंट हो गया, तो यहाँ पर ये डायोड करंट मूव कर रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर ये मूव करेगा। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन ये है, आईडी इज इक्वल्स टू आईएस e की पावर VD अपॉन ईटा इंटू VT माइनस 1। ये क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बेसिस पे हम यहाँ पर VI कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। ID क्या है, डायोड करंट, और IS क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। IS को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ये क्या हो गया, रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम यहाँ पर VD इंक्रीज करेंगे यहाँ पर ID भी इंक्रीज होगा, यानी धीरे धीरे ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो लेट्स सपोज हम पहले कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो ड्रिफ्ट वोल्टेज है यानी VD है, यानी जो डायोड वोल्टेज है हमारा, ये जो VD है इनिशियली हम मान लेते हैं जीरो रहा होगा। तो जब ये VD जीरो होगा तो ये जो टर्म है इसको अगर VD को जीरो कर देंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल टर्म भी हमें क्या मिल जाएगा, अगर VD जीरो है तो VD जीरो होने के केस में हमारा IS और E की पावर जीरो माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, ID इज इक्वल्स टू IS
ये 1-1 हो जाएगा, जिसकी वजह से आईडी हमारा क्या है, जीरो होगा। यानी जब हमारे पास जो डायोड वोल्टेज है वो जब जीरो रहा होगा, यानी कुछ भी नहीं है, यानी बैटरी कनेक्टेड नहीं था, तो उस करंट, उस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे जो डायोड करंट है वो भी जीरो रहा होगा। अब जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा, यानी वीडी जीरो था, जीरो से अब मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा तो आईडी की वैल्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। और एक कंडीशन ऐसा होगा, यानी इस, ये क्या है, वीडी जीरो है। अब इसी चीज को मैं ग्राफ में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब सब तो सपोज करो, जब हमारा वीडी जीरो है तब हमने देखा कोई भी करंट नहीं है। इवन जब हम वैल्यूज को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं तो भी हमें यहाँ पर करंट अब तक जीरो जीरो ही मिल रहा है। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू थोड़ी और इंक्रीज कर रहे हैं, हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, तो करंट हमें थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करता हुआ दिखेगा। और जब डायोड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जब आपका डायोड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, उस केस में क्या है, एम्पल अमाउंट में होल्स या इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जैसे ही ज़्यादा अमाउंट में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, सडनली हमें यहाँ पर एक करंट का जंप मिलेगा। उससे पहले होल्स और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते, इसलिए हमें करंट क्या है, नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही जो डायोड वोल्टेज है वो उस पर्टिकुलर डायोड के डिप्लीशन लेयर या बैरियर पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा वो वोल्टेज, वैसे करंट में हमें क्या होगा, सडन शूट देखने को मिलेगा। तो ये ग्राफ मैंने बनाया है जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम के लिए जैसा आप जानते हो कि बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट का होता है, और ये हमारा सिलिकन के लिए है, और इस केस में आप जानते हो कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। तो यानी 0.3 से पहले आपको करंट की वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर मिल रही थी, लेकिन 0.3 के बाद तुरंत ज्यादा करंट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि बैरियर पोटेंशियल पर जैसे ही डायोड वोल्टेज हमने बैरियर पोटेंशियल के इक्वल कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने लग गए, और जिससे हमें एक सडन करंट जंप मिलता है यहां पर। सेम चीज सिलिकॉन के केस में बैरियर पोटेंशियल 0.7 है, जैसे इससे ज्यादा किया एकदम करंट शूट कर जाता है। तो ये तो था वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायस। अब बात करते हैं रिवर्स बायस के केस में। तो रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, ध्यान रखना है, रिवर्स बायस के केस में आपको ध्यान रखना है कि पी को हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से और एन को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जब हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, इस कंडीशन को समझते हैं। इस कंडीशन में अगर मैं इसको सपोज करो रिवर्स कर देता हूं, यानी ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो पहले इस तरीके से मूव कर रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो अब अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो सारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए, तो यहां पर सिर्फ क्या बच रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बचेगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस, डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज होगी, क्योंकि अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो है नहीं, अब जो करंट बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो अब ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट बन रहा है, ये फर्दर आपको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहां पर आपने करंट जीरो देखा था, बट यहां पर आप देख रहे हो कि करंट की वैल्यू, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आपको यहां तक मिल रही है। तो ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू आपको करंट की मिल रही है, वो किसकी वजह से मिल रही है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मिल रही है। और जैसे ही ये इस पॉइंट को रीच करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का क्या मतलब होता है, पहले सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इनिशियली जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं वो फिक्स्ड है, मोशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल, जिसकी वजह से जो नॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स थे वो सडनली
मोबाइल हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाता है उनको, उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आएंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे, यानी वो मूव करने लग गए। इनिशियली वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, सडनली आपको क्या देखने को मिलता है, एक करंट में शूट देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा ग्राफ अगेन एक सिलिकॉन के लिए है और एक जर्मेनियम के लिए, इसलिए दो ग्राफ मैंने बताया है। तो ये रिवर्स बायस के केस में VI कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये फॉरवर्ड बायस के केस में कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। होप ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के अगर आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने इंपॉर्टेंट कमेंट्स और सजेशन हमसे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।